कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। कक्षा सिक्स का आज हम लोग ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, व्याकरण। इससे पहले हम लोग वर्ण विचार कर चुके हैं बच्चों, पाठ दो है। आप लोग निकाल लीजिए अपनी पुस्तक, तरंग पुस्तक है आपकी हिंदी व्याकरण। वर्णमाला किसे कहते हैं? हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में जाना था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण किस प्रकार हम लोग समझते हैं? भाषा के द्वारा। जैसे कि हम लोगों को अपनी बातों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो भाषा के ही द्वारा हम अपने भाव को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, अर्थात दूसरे की बातों को हम समझ सकते हैं। तो हम लोग वर्णमाला कर रहे थे। वर्णमाला में हम लोग स्वर पढ़ लिए हैं। स्वर कितने हैं? स्वर 11 होते हैं। व्यंजन कितने? 39 होते हैं। और स्वर के जो 3 प्रकार है, हर्ष्व, दीर्घ और मृत स्वर, ये हम लोग पढ़ चुके। अनुस्वार, अनुनासिक जो 3 मात्राएं हैं हमारी, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, तो ये मात्रा हम लोग 3 पढ़ चुके हैं बच्चों। आप लोग देख लीजिएगा अपनी पुस्तक में। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। आज हम लोग व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार है और वो प्रकार किस प्रकार है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आप लोग अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जैसे कि एक व्यंजन का उदाहरण मैं लेती हूँ, चलिए मैं रोहन, एक नाम है रोहन, यहाँ पे जो रोहन है, तो जब हम लोग बोलते हैं कि रो रो ओ, यहाँ पे क्या आता है? हमारे जो स्वर अक्षर है वो कौन से हैं? यह इसका आभास हम लोगों को होता है ना बच्चों, रो। और यहाँ पे जैसे कि ह है, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों को ह को लिखना है, ये ह है ना, इसको इसका जब पूरा हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ह हलंत जोड़ अ, तब क्या बनकर आता है हमारा? ह। तो यहाँ पे जो व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन सा हमारा व्यंजन है? व्यंजन हमारा ह है। और हम लोग किसकी सहायता ले रहे हैं? स्वर की सहायता ले रहे हैं, तब उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो 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 हमारे व्यंजन है वह स्वर के बिना अधूरा, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ, ये सब कुछ है कि स्वर के बिना अधूरे हैं। तो इसकी परिभाषा को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे उदाहरण देकर आप लोग काफी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन के कितने भेद है बच्चों? व्यंजन के 3 भेद है, यहाँ पे आपके पुस्तक में दिया गया है। एक है स्पर्श व्यंजन। तो पहला हम लोग जानेंगे, मैं अगर जो जो बोर्ड में नहीं लिखती हूँ तो मैं आपको गृह कार्य देती हूँ तो आप लोग उतना ही लिखते हैं जितना मैं बोर्ड में लिखी रहती हूँ, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं हम लोग जितना पढ़े हैं उससे मिलता जुलता जितना प्रश्न आप लोगों को बनता है वो आप लोगों को लिखना है, ना कि मैंने जो लिखा है वो सब आप लोग लिख के भेज देते हैं। ये मैं समझाने के लिए बोलती हूँ। तो आप लोग पुस्तक में जो जो बातें अच्छी से अच्छे ढंग से लिखा हो उसको लिख के भेजिए, या मैं जो समझाती हूँ उसे अच्छे से लिख के भेजिए, ठीक है बच्चों? तो आगे से आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि कविता लिख के भेज दीजिएगा या इसका परिभाषा जो मैंने लिखा है वो लिख के भेज देते हैं आप लोग, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है? जैसे कि आप लोगों को अगर मैं इसके बाद जो वीडियो में अगर हम लोग होम टास्क देते हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को लिखना है व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद है, भेदों के नाम लिखने उदाहरण के साथ, और उसके बाद हम लोग जो करेंगे संयुक्ताक्षर, द्वित व्यंजन, वो सब आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है? तो चलिए स्पर्श व्यंजन देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भिन्न भिन्न भागों को स्पर्श करती उन्हें स्पर्श व्यंजन। यहाँ नाम से ही बोध होता है कि जब जीभ हमारे मुख के भिन्न भिन्न भागों को स्पर्श, कहने का अर्थ है उसको टच करती है धीरे धीरे, मतलब कोई कोई शब्द होते हैं तो कितने हैं हमारे? 25 है। तो उसमें उनमें से कौन कौन है? क ख ग। तो क्या होता है, ये कभी तालू को टच करता है, कभी नीचे के भाव को टच करता है, कभी हमारा मुंह खुला रहता है। तो इस प्रकार समझेंगे आप लोग। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन 25 है।
उसके बाद कौन सा है पंचम वर्ण, तो आप लोगों को मैंने उसी ही बताया था कि जो पंचम में आता है जैसे क ख ग घ अंग, ये हमारे पंचम वर्ण है। तो पंचम वर्ण कितने हैं, पंचम वर्ण हमारे पांच है, अंग अड न म, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ण का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण कहलाता है, इससे आप लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे। उसके बाद क्या है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तो इसको हम लोग देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे य र, मतलब किसी भी भाग को मुंह इसमें हमारा क्या होता है ज्यादातर खुला रहता है, य र ल व, मतलब हल्का हल्का स्पर्श होता है। तो ये हमारे कितने हैं, ये हमारे चार है, और अंतिम है हमारा ऊष्म व्यंजन, ये भी हमारे चार ही है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब नाम से यहाँ पे जो हमारे तीन व्यंजन है स्पर्श, जहाँ पे हमारे जीभ मुख के किन किन अंगों को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हमारे 25 है। उसके बाद क्या है अंतस्थ व्यंजन, जहाँ पे क्या होता है कि वो पूरी तरह किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, तो वो कितने हमारे चार है। और उष्म, उष्म कहने का अर्थ थोड़ी ठंडी हवा, गर्म हवा कहने का यहाँ पे लिखा हुआ है कि थोड़ी गर्म हवा, जैसे कि गर्म मतलब श ह श, ये श दो तीन प्रकार के जो श है उसके बारे में बताया गया है। तो तीन प्रकार के जो श है इसमें सम्मिलित हो जाएंगे उष्म व्यंजन में, और ह तो किसी प्रकार से टच नहीं करता है, और क्या होता है गर्म हवा मुंह से प्रवेश करती है। तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कि हम लोग व्यंजन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। चलिए आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, संयुक्त किसे कहते हैं तो देख लीजिए आप लोग, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रही हूं ये क हलन जोर श, तो ये क्या कहलाता है श, जैसे कि ये देखिए क हलन जोर श, तो ये क्या हुआ दो शब्दों को मिलकर एक शब्द बना है, उसे क्या कहते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से त्र है, ज्ञ है, त्र का क्या हुआ देख लीजिए त हलंत जो र, क्या हुआ हमारा त्र। फिर ज्ञ का क्या हुआ बच्चों ज हलंत जो अड़वलन है यहाँ पे, तो क्या होगा ज्ञ होगा। और श का क्या होगा बच्चों श जो र हलन, तो यहाँ पे होगा श, जैसे श से श्रमिक, ज्ञ से ज्ञानी, त्र से मित्र, छ से क्या होगा यहाँ पे दिया गया त्रिकोण। तो ये क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन, हमारे कितने हैं चार हैं। तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन हमारे चार ही है, तो उन्हीं से उनसे जो जो शब्द बनते हैं उन्हीं ही हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और वही हमारे उदाहरण है। तो जब हम लोग पाठ भी करते हैं बच्चों तो उसमें भी हमारा ये सब आता है, ग्रामर के जो भाषा की बात है उसमें आती है ये सब, तो आप लोगों को वो करना है। और द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति दो बार हो, जैसे कि बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है च वर्ण की आवृत्ति क्या हो रहा है बच्चों दो बार हो रहा है। तो एक वर्ण की आवृत्ति जहाँ पे दो बार होती है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर युक्त व्यंजन से योग होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप लोग नहीं समझेंगे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस वर्ण की आवृत्ति दो बार होती है उसे हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से भाषा को अच्छा रूप देकर यहाँ पे लिखा गया है। तो जैसे कि पक्का, पक्का, सच्चा, बच्चा, कच्चा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख लीजिए आप लोग क की आवृत्ति दो बार, च की आवृत्ति दो बार, तो ये हमारे क्या हुए द्वित्व व्यंजन। इसे ही द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, जहाँ पे आप लोग देखेंगे एक वर्ण की आवृत्ति दो बार की गई है तो उसे क्या कहेंगे द्वित्व व्यंजन कहेंगे। इसका एक ही सिंपल सा उदाहरण है जिससे आप लोग अच्छे से समझेंगे। और है हमारे संयुक्त अक्षर,
जब दो यहाँ पे र के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं वो हम लोग देखते हैं। जब किसी स्वर रहित व्यंजन का किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन से योग होता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन हमारे कौन है, ये है। तो जब ये किसी शब्द के साथ मिलकर पूरा होता है तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे कि गोष्ठी, गो जोड़ सृष्टि, गोष्ठी, भक्त, भक्त। यहाँ पे क्या होता है, जो आधा आधा वर्ण है किस प्रकार, मतलब जैसे कि एक यहाँ पे तीनों व्यंजन ही है लेकिन किस प्रकार स्वर की सहायता, स्वर रहित है लेकिन स्वर की सहयोग से ही बनते हैं, उसको दिखाया गया है। गोष्ठी, यहाँ पे गोष्ठी में आधा श है तो गोष्ठी, भक्त में यहाँ पे आधा क है तो ये क्या है, हमारे संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। तो र का किस किस रूप से प्रयोग होता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। एक तो रेफ के माध्यम से होता है, जैसे कि आशीर्वाद, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेफ कहते हैं ना। उसी प्रकार जब प्रकार होता है तो इसे क्या कहते हैं, पदेन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए बच्चों, जैसे कि ये उदाहरण सटीक बैठता है। क्रम, जो र होता है नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ आता है तो उसे क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं, और नीचे की तरफ आता है तो उसे क्या कहते हैं, पदेन कहते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए र जब स्वर रहित होता है तो अपने अगले वर्ण के ऊपर रेफ के ऊपर लगाया जाता है, जैसे आदर्श, आशीर्वाद, कर्म, दुर्बल, है ना। और र के पूर्ण जब कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो र उसके नीचे पदेन के रूप में लगाया जाता है, जैसे क्रम, समुद्र, प्रकाश। मैंने जो पहले भी उदाहरण बताया था वो भी अच्छा था, ये भी उदाहरण ऐसा है, मतलब रेफ हो यहाँ पे एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, तो इसका जो रूप है इसके नाम को आप लोगों को याद करना है। तो इतना ही है बच्चों, और थोड़ा है, एक लाइन देख लीजिए। स्वर रहित ड ड और ड के बाद आने वाले र में लगाया जाता है, जैसे ड्रामा, राष्ट्रीय, ट्रेन आदि। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। तो इस प्रकार हमारा ये वर्ण विचार पूरा होता है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। और होम टास्क में आप लोगों को इसके रूप को लिखना है, इसके प्रकार को लिखना है और संयुक्ताक्षर, द्वितीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तीनों को अच्छे से लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।